आए जरा दोस्त देखे, इस पे हेडिंग डाल दो, ये वो सवाल है जो तुमने पेपर के करीब दोबारा देखना है। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है? मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते हैं, हाँ कितनी एनआरवी के बराबर, कितनी एनआरवी के बराबर, डन। आओ जरा दोस्त इस सवाल को देखिए, ये कह रहे जी हॉकिंस लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, बॉडी एंड सोल, ठीक है, अ फर्दर प्रोडक्ट थ्री की, घर की नहीं है ये, फर्दर प्रोडक्ट थ्री की इज ऑल्सो मेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेकिंग सोल, ठीक है। देखो अंग्रेजी देखो इसकी, वो कह रहे जो बाय प्रोडक्ट है ना वो ऐसे प्रोसेस से निकला है जिससे सोल बनता है, यानी बाय प्रोडक्ट का बॉडी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ये याद रखना। दो तुम्हारे मेन प्रोडक्ट है बॉडी और सोल, ये जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है ना तीसरा प्रोडक्ट थ्री की, दिस इज कनेक्टेड टू सोल, ये प्रोडक्ट बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द बॉटल्स ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, बोतलों में बेचते हम सर, इट इज नाउ जनवरी 2001, आपको बताया जा रहा है जनवरी 2001, क्या पैदा हो गए थे? अच्छा कौन लोग नहीं पैदा हुए थे 2001 जनवरी, मुंजा दौड़ो के टाइम का आदमी है तू तो। ये गलत बात है, बार बार लाइन खत कर डिस्कनेक्ट हो जाए, मजाक कर रहे थे। हाँ तो वो कौन सा सीरियस समझ रहा है भाई, खैर खैर हमारा भाई यार। चलो जी जनवरी 2001 की बात हो रही है, यू आर द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ हॉकिंस लिमिटेड, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एलोकेट कंपनीज जॉइंट कॉस्ट फॉर ईयर 2000 बिटवीन बॉडी एंड सोल एंड नॉट टू द बाय प्रोडक्ट थ्री की। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की कि थ्री की को जॉइंट कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी है। अच्छा कॉस्ट इसको एलोकेट करनी है बॉडी और सोल, कोई टुकड़ा एक रुपए का भी कॉस्ट आपने बाय प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं करनी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते हैं उतनी जितनी की उसकी एनआरवी होती है। यहां ये स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, मना कर रहा है नहीं करो। मैंने कहा ठीक है तो फिर क्या करें, उसने कहा कि आपको बता दें ड्यूरिंग 2000, सर आप सुने एक एक पैरा हम ग्राउंड करेंगे। ड्यूरिंग 2000 2 मिलियन लीटर ऑफ रॉ मटेरियल नेक्टर कॉस्टिंग 3 मिलियन वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट अल्फा विद नो वेस्टेज, कितने मिलियन लीटर तुमने प्रोसेस किए, 2 मिलियन लीटर, खर्चा कितना आया 3 मिलियन का मटेरियल और 1.657 मिलियन का कन्वर्जन कॉस्ट। तीन बातें पूछूंगा, कितने प्रोसेस किए 2 मिलियन लीटर, ठीक है जी, मटेरियल का खर्चा कितना 3 मिलियन, कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा कितना। इस एक पैरा को फोकस करो, मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं मैंने खर्चा किया कितने का, 4657000, ऐसा ये मेरा खर्चा है कॉस्ट है, ठीक है जी, कितने मिलियन केजी हैं लीटर्स हैं 2 मिलियन, ये मैंने ऊपर रख दिया, खर्चा मैंने नीचे कर दिया, क्या नाम है इस प्रोसेस का, डिपार्टमेंट अल्फा, ठीक है जी। अब गौर से सुनो, पार्ट ए, 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट अल्फा वाज अनफिनिश्ड बी, यहां रुको, वरा इस 2 मिलियन लीटर का 50% कितना होता है, 50% यह है अनफिनिश्ड बी, कितना होता है वेट में 1 मिलियन, ये अनफिनिश्ड बी बना, ठीक है जी, 50% हाँ, 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट अल्फा वाज अनफिनिश्ड बी फॉर विच देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट, ठीक है जी, इट वाज ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बीटा वेयर इट वाज सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8.1 मिलियन। हमने कहा भाई इसको हमने क्या किया, फर्दर प्रोसेस किया, किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट बीटा में, ठीक है जी, डिपार्टमेंट बीटा में हमने इसको प्रोसेस किया, खर्चा कितना है इस डिपार्टमेंट बीटा में 8 पॉइंट, ये खर्चा मैंने नीचे लिख दिया 8.1 मिलियन रुपीस, डन। इससे बना क्या,
उसने कहा नॉर्मल वेस्टेज वो 16%, ठीक है जी, रिमेनिंग गुड आउटपुट वॉज फिनिश्ड बॉडी दैट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 पर यूनिट। उसने कहा इसके दो हिस्से बने, एक हिस्सा बना लॉस 16%, 16% यानी वेट में कितना, 1 मिलियन का 16% वुड बी 1,60,000। फिर क्या बना, ये बना बॉडी कितना 8,40,000। उसने कहा ये जो 8,40,000 लीटर है ना, ये आराम से बिक जाएंगे रुपीज कितना, ₹10 में, कहाँ गया ₹10 पर लीटर, ठीक है ये ₹10 में बिक जाएगा ऐसा। अब एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट बिकने लायक हो गया है, इससे आगे उसको फर्दर प्रोसेस करने का कोई सीन सवाल में नहीं गिवन है। हमने 2 मिलियन में से 1 मिलियन को फर्दर प्रोसेस कर दिया, ठीक है, आगे ले गया, जिसमें से लॉस आया और बाकी क्या आया, 8,40,000 का बॉडी आया टोटल, डन पक्का, को मसला पंचायत मसूड़ी पंगा प्रॉब्लम नथिंग। फिर आगे बढ़ो, अब बताओ बाकी हमने किस चीज को देखना है, पर रिमेनिंग 50% का क्या हुआ, यही है रिमेनिंग 50% है कितना, 1 मिलियन। देखो उसका क्या हुआ, मैं पढ़ने जा रहा हूं दूसरा पैरा, ये कह रहे जनाब द अदर 50% किधर गया, द अदर 50% ऑफ द आउटपुट फ्रॉम जॉइंट प्रोसेस इन डिपार्टमेंट अल्फा वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड नेक्टर। जो बाकी का 50% है ना, उसने कहा कौन सा, उसने कहा ये वाला, उसने कहा ये है प्रोसेस्ड नेक्टर, वजन में कितना 1 मिलियन, डन। उसने कहा इसका क्या हुआ, उसने कहा जनाब इट वॉज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट गामा एज देर वॉज नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर प्रोसेस नेक्टर, ठीक है, इन डिपार्टमेंट गामा इट वॉज फर्दर प्रोसेस विद नो वेस्टेज एट ₹30.9 मिलियन। अब हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आ गया पिक्चर में, कौन सा, क्या मान कितने का भी खर्चा, कितने का इसमें 30.9, ठीक ठाक खर्चा करके हमने उसको गामा में डाल दिया। अब बताओ सर हमारे पास अभी भी 1 मिलियन लीटर के बारे में कोई हमें पता नहीं है, किसको बेचेंगे कैसे, ऊपर वाला 1 मिलियन तो हमने बेच दिया, 8,40 बेच दिया, बाकी कचरे में डाल दिया। अब बताओ जी, अब इस 1 मिलियन का पार्ट ए किसका, इस 1 मिलियन, ठीक है, इसका करेंगे क्या, उसने कहा जी ना जनाब 72% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट गामा वॉज इन द फॉर्म ऑफ अनफिनिश्ड सोल फॉर विच देर वॉज नो एक्सटर्नल मार्केट। मर जाओ, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, ये क्या हमारे पास अनफिनिश्ड सोल, कितने परसेंट है, 72% ना, 7,20,000 लीटर पक्का। फिर इट वॉज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट डेल्टा, इंसान के बच्चे बनो, डिपार्टमेंट डेल्टा, हमने कहा अच्छा इसके बाद क्या होगा, उसने कहा डिपार्टमेंट डेल्टा में 7,19,000 का खर्चा आया। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इससे बना क्या, उसने कहा भैया इसमें से निकला 16.67% का लॉस। सर ये आपको कैसे पता चले, 67 लिखा, ये लिखा 16 होल नंबर 2/3, ठीक है, ये 2/3 बेटा थोड़ा सा मसक हो गया, ठीक है जी, ये किसी ने इसको रगड़ दिया। चलो वो कह रहा भैया इसमें से फिर एक मसला है, क्या निकलेगा इसमें से, इसमें से निकलेगा कुछ लॉस, लॉस कितने का, 16.67 निकालो उधर, 1,20,000 और फिर बाकी नहीं, 24 नहीं, बस 1,20,000 सही, बाकी क्या, उसने कहा जनाब द स्पॉइल्ड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एनी चार्ज, रिमेनिंग इज फिनिश सोल। चलो जी ये हमारे पास आ गया सोल, कितने केजी गई, कितना
एक लाख बीस में से 7 लाख 20 में से 1 20 निकले दो, 6 लाख लीटर ये आ गया खत्म। नहीं सर, इसमें से तो 72% ना, बाकी का क्या हुआ, इस लेग का क्या हुआ? अच्छा ये कितने का बिकेगा, ये जो सोल है कितने का बिकेगा? 60 रुपीज का। ऐसा फिर जी वो कहता है भैया रिमेनिंग 28% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट गामा वॉज इन द फॉर्म ऑफ फिनिश 3 की, ठीक है जी। इट वॉज सोल्ड इन द आउटसाइड मार्केट फॉर ₹8, बट ड्यू टू इट्स डेंजरस नेचर अ स्पेशल डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 70,000 वर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट थेरऑफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, बाकी हमारे पास क्या है सर? हमारे पास है बाय प्रोडक्ट 3 की, ठीक है जी। कितने कितने के जी है जी? 3 चाबियां हैं, 2 सीट। अब बताओ उसको हमने क्या किया, वो कह रहा हमने उसको इस पर डिलीवरी कॉस्ट इन कर की, कितने की? 8 रुपए का, 2,80,000, ठीक है जी। ऊपर ऊपर 2,80,000 ऊपर, अच्छा अनचेंज रहा, कितने का बिकाई? 8 रुपए फी यूनिट। अब आपसे वो कह रहा है प्यारे भाई ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है ना, ज्वाइंट कॉस्ट क्या है इसके अंदर, ये वाली, ये ज्वाइंट कॉस्ट है, ये आप एलोकेट करके दे। हमने कहा किस बेसिस पे? उसने कहा जनाब एलोकेट द अप्रोप्रिएट ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू। व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव सेल्स वैल्यू? जहां प्रोडक्ट सेल्स के लायक बना आपने वो वैल्यू ले ली। सर मुझे बताए बॉडी की सेल कितनी है, सोल की सेल्स कितनी है? 60,000 इंटू, अच्छा लेकिन एक अमेजिंग बात वो कर रहा है, और क्या चीज वो कह रहा है? सेल्स वैल्यू ट्रीटिंग दी एनआरवी ऑफ 3 की एज एन एडिशनल सेल्स वैल्यू ऑफ सोल। उसने कहा काम करो जो 3 की है ना उसको सोल की सेल्स में ऐड कर दो, यानी उसको ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करो नॉर्मल तरीके से। अब देखो आमतौर पर एग्जाम में इस तरह की बात वो नहीं करेगा, लेकिन स्पेसिफिक रिक्वायर आमतौर पर एनआरवी जो बाय प्रोडक्ट की होती है उतनी उसको हम कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं, इसकी जो भी एनआरवी है उसमें कॉस्ट दे देनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं करो, आप इसकी एनआरवी को लो सोल्स की सोल की सेल में क्या कर दो, ऐड कर दो और फिर बॉडी ऑफ सोल में जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो। अगर एग्जाम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके लिए रखता है तो फिर आपने जवाब भी वैसे ही देना है। पहले ये कॉपी करो तो मैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना सिखा देता हूँ। अच्छा सुनो सुनो यार, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट रुक के यहाँ देख लो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कितने प्रोडक्ट है मेरे पास सर? बॉडी और बताओ इनकी सेल्स कितनी है? इसकी सेल्स है भाई 8,40,000 इंटू 10, कितना? 8. इसकी सेल्स है कितनी जी? 6 लाख इंटू 60, कितना? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट की सेल्स भी है। अब बाय प्रोडक्ट कितने का आया उसकी कह रहे एनआरवी निकालो। एनआरवी सर एनआरवी ऐसे निकलेगी बाय प्रोडक्ट की कि मेरे पास एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट ऐसे निकलेगी कि 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस कितने 21 लाख। ये वो कह रहा है सोल की सेल्स को ट्रीट, इसको सोल की सेल ट्रीट कर। हमने कहा ठीक है, अब बता हमारे पास सेल्स कितनी होगी दोनों साइड पे? ये हो गया 8.4 मिलियन और ये 38. पक्का मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड ये मेरे पास आ गई सेल्स टोटल। इसी बेसिस पे
इसी सेल्स की बेसिस पे, इसी सेल्स की बेसिस पे आपने क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट, ये वाली ज्वाइंट कॉस्ट, ये वाली। भाई बच्चा पूछ रहा है इसमें ज्वाइंट कॉस्ट ऊपर वाली है नीचे वाली है, नीचे वाली है भाई। 4657000 को, 4657000 को एलोकेट कर दे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। जी यार जायद हो तो मैंने क्लास में तुम लोगों को 8-10 कराया यार, चलो खैर वो भी करा दूं जी। ये आ रहे हैं 8:40 और ये 3:08। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, ज्वाइंट कॉस्ट थी हमारे पास 4657000 एलोकेटेड ऑन सेल्स वैल्यू बेसिस। यही है मेरे बच्चों, ज्वाइंट कॉस्ट हो गया एलोकेट। अब सुनो सुनो, छोड़ दो मिनट के लिए, बोर्ड पर देख लो मेरे बच्चा, क्या बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए और कोई खर्चा हुआ? हाँ हुआ, कितने का? 8.1 मिलियन। ये एक अलग से खर्चा हुआ, पहले मेन प्रोसेस से निकला यहाँ तक पहुंचा, पर तो मैं एलोकेट कर दूं इधर। कौन सी डिपार्टमेंट? गीता। कितने का खर्चा? 8.1 मिलियन। और कोई खर्चा है? हाँ है सर, गामा का खर्चा है 30.9 मिलियन का। डिपार्टमेंट गामा कितना? 30.9 मिलियन का। और खर्चा ऐसा? हाँ 7,19,000 का खर्चा डेल्टा। ये खर्चा स्पेसिफिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स पे हुआ है, डन। अब बताएं सर मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है दोनों? ये बेटा क्या देखिए इसकी बात करो, ये तो लॉस होगा ना 5:40 का। ये चलो जी कितना आ रहा है भाई, जिससे जाना चले जाए क्योंकि मैं इसका टोटल ही करूंगा जी। कर लो छुट्टी, क्या निकाल के आ रहे हो हैं? पैसे निकाल लो, चाबी निकाल लो। क्या है ये भाई? बेटा ये क्या आ रहा है अल्लाह के वास्ते? 27 आज आपके घर जाने के बाद 3 सवाल देखते हैं।